हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्न, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के कुछ आपको विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, और इसके ऑप्शन है क वाला है नवीनीकरण योग्य, ख है प्रवाह, ग है जैव और घ है अनवीनीकरण योग्य। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे अभी हम आपको बताएंगे, आप सोचिए तब तक। दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, और इसके ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य और ख है अजैव, ग है मानवकृत और घ है अचक्रीय। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर थर्ड पार्ट है इसका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, और ये आपके सामने उसके ऑप्शन है गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो इसका क्या आंसर होगा अभी हम आपको बताएंगे, आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और इसका अगला पार्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है, और ऑप्शन है इसके पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा और उत्तरांचल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे उत्तर अभी हम आपको बताएंगे बच्चों। और अगला है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, और इसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या फिर झारखंड में। ठीक है, तो इनके उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा घ वाला सही, और सेकेंड पार्ट का होगा क वाला सही, और थर्ड का होगा ख वाला, उसके बाद घ वाला, और पांचवे का होगा घ वाला। ठीक है, इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में? 30 शब्दों में आपने इनके उत्तर देने हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, तीन राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिखें बच्चों, काली मृदा का रंग काला होता है, इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं, ये लावाजनक सैलों से बनती है, ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न के फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद बच्चों सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर, आप इस प्रकार से उत्तर लिखें, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, और क्या क्या विशेषताएं हैं आइए देख लेते हैं। यह मृदा हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा लिखेंगे, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। और फिर लिखेंगे अगला, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न के सेकेंड पार्ट का उत्तर। इसके बाद बात करते हैं आगे, यहाँ पर जो है थर्ड पार्ट है इसका, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो आप जानते हैं क्या कदम उठाने चाहिए, उत्तर लिखेंगे मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। क्या क्या तरीके अपना सकते हैं लिखेंगे, नंबर एक, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। और दूसरा लिखेंगे, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर और नालिका अपरदन को रोका जा सकता है, पश्चिमी और मध्य हिमालय के सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। इसके बाद अगला लिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है,
इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। फिर लिखेंगे अगला, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है, मृदा रोधक बांध और नालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। के बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न का, चौथा पार्ट है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो यहाँ पर आप उसके उदाहरण लिखेंगे। नंबर एक लिखेंगे, सबसे पहले जैव संसाधन हेडिंग डालकर लिखेंगे, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से प्राप्त होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन और मत्स्य जीवन आदि। उसके बाद अजैव संसाधन के बारे में लिखेंगे, अजैव संसाधन हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखते चले जाएं बच्चों, याद भी करें साथ साथ। इसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। और यहाँ पर है, पहला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है, कुल भूमि में से 93% भाग या 93% भाग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है, 22.5% भूमि पर वन है, 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। बात करते हैं, 7.7% भूमि प्रति भूमि है और 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान है, 4.6% बंजर भूमि है। इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं, याद भी करें साथ साथ। आगे लिखेंगे, वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकीकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है, लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं, इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों इस प्रश्न का। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। तो उत्तर लिखेंगे आप, तकनीकी और आर्थिक विकास के विभिन्न कारकों के कारण संसाधनों की अधिक खपत हुई है, औपनिवेशिक समय में शाही शक्तियां अन्य देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी तकनीकी और आर्थिक श्रेष्ठता का उपयोग करती हैं और इस तरह के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करती हैं, अब एक देश के संसाधन अपने औपनिवेशिक शासक के नागरिकों के लिए भी सुलभ हो गए, जिससे खपत में वृद्धि हुई। इसके अलावा तकनीकी और आर्थिक प्रगति के कारण सभी उम्र में कम मृत्यु दर के कारण आबादी बढ़ रही है, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के विकास के साथ दुर्घटनाओं, बीमारियों, प्रसव आदि में कम लोगों की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, ये प्रश्न है आपका सेकंड पार्ट का। और इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर परियोजना कार्य आपके लिए है और पहला प्रश्न है, यहाँ पर अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों के उपभोग और संरक्षण को दर्शाते हुए एक परियोजना तैयार करें। तो इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बच्चों, या अपने अध्यापक से पूछकर आप इस पे विचार विमर्श करें और परियोजना स्वयं से तैयार करें। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, आपके विद्यालय में उपयोग किए जा रहे संसाधनों के संरक्षण विषय पर अपनी कक्षा में एक चर्चा आयोजित करें। तो ये भी आपको स्वयं से करना होगा, आप अपने अध्यापक की उपस्थिति में अपनी कक्षा में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, वर्ग पहेली को सुलझाएं, ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज छिपे उत्तरों को ढूंढें। ध्यान रखें आप, पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपके लिए वर्ग पहेली दी हुई है यहाँ पर। तो आप किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे, चलिए बता देते हैं आपको। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे, भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा, और वहाँ पर आप ढूंढेंगे पहेली के अंदर रिसोर्सेज, ठीक है। और सेकेंड का लिखेंगे आप, और नवीनीकरण योग्य संसाधन का एक प्रकार, यहाँ पर लिखेंगे आप मिनरल्स। और थर्ड वाले में लिखेंगे आप, जहाँ पर आप देख सकते हैं, उच्च नमी रखाव और क्षमता वाली मृदा को क्या लिखेंगे, ब्लैक सॉइल, ठीक है। और इसके बाद जो है अगले में लिखेंगे आप, मानसून जलवायु में अत्यधिक निक्षालित मृदाएं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे लेटराइट सॉइल,
और इसके बाद लिखेंगे अगले में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए बृहद स्तर पर पेड़ लगाना अफॉरेस्टेशन। और उसके बाद भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने हैं, किन से बने हैं, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, वर्ग पहेली को हल कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए इन्हें याद कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।